हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर चैप्टर दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आज हम पढ़ेंगे अबाउट द स्लेवरी. ठीक है, कि फ्रांस में स्लेवरी जो थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, कहाँ हो रही थी और क्यों हो रही थी. ठीक है, और इसका एवोल्यूशन यानी इसको ख़त्म कब किया गया. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी. ठीक है, स्लेवरी को एबोलाइश करना या हटा देना है ना. तो फ्रांस में हमने देखा नेशनल असेंबली में बहुत ज़्यादा रिच पीपल भी थे, है ना, जो बहुत अच्छा टैक्स पे कर रहे थे. तो यहाँ पर 18th century के आसपास जो था, यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत सारे कंट्रीज को कॉलोनाइज किया हुआ था. वो आपको पता है ना, अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारी इंडिया को भी कॉलोनाइज किया हुआ था ब्रिटिशर्स ने. फ्रांस भी था, है ना, इंडिया के कुछ पार्ट पर फ्रांस का भी कब्जा था या फ्रांस ने भी कॉलोनाइज किया हुआ था. इसलिए तो हुआ था एंग्लो कार्नेटिक वॉर, है ना, फ्रेंच वॉर. ठीक है, तो ये जो वॉर हुए थे ये हुए थे फॉर द डोमिनेशन इन द इंडिया, कि इंडिया पर किसका डोमिनेशन रहेगा, ब्रिटिशर्स का रहेगा या फ्रांस का रहेगा. तो इस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज ने वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज को कॉलोनाइज किया हुआ था उस टाइम पीरियड में. ओके, और उस टाइम पीरियड में उन्होंने कैरेबियन कंट्रीज को भी कॉलोनाइज किया हुआ था. कैरेबियन कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका के डाउनवर्ड पार्ट में, उसके साउथ पार्ट में कुछ कंट्रीज हैं, तो वो वाली जो कंट्रीज हैं कैरेबियन सी के आसपास वाली जो कंट्रीज हैं वो सारी कंट्रीज कैरेबियन कंट्रीज हैं. तो वहाँ पर मॉन्टीक्यू, ठीक है, ग्वाडेलोक और सैंट डोमिंगोस, ये कुछ एरियाज थे जहाँ पर फ्रांस का डोमिनेशन था. नॉट ओनली फ्रांस, यूरोपियन डोमिनेशन हम कह सकते हैं. यहाँ पर रिच मर्चेंट्स ने अपने लिए बड़े बड़े प्लांटेशन लिए हुए थे. प्लांटेशन तो समझते हो ना, प्लांटेशन मतलब बहुत बड़े लैंड एरिया पर एक ही तरह की क्रॉप लार्ज स्केल पर ग्रो करना. ठीक है, जैसे उस समय जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो उन क्रॉप्स को ये ग्रो करते थे, लाइक टी है, कॉफ़ी है, शुगर, कॉटन, इंडिगो, है ना, ये कुछ क्रॉप्स थी जिनकी उस समय टोबैको बहुत ज़्यादा डिमांड थी इंटरनेशनल मार्केट में. तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े प्लांटेशन लिए हुए थे. उन प्लांटेशन में उन्हें क्रॉप ग्रो करानी है लार्ज स्केल पर. अब उस समय ये जो मॉडर्न फार्मिंग वाला मेथड था, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे मॉडर्न इक्विपमेंट उस समय तक नहीं थे, है ना, टेक्निकल डेवलपमेंट थोड़ा लेट हुआ. लेकिन अब यहाँ पर अगर टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं है तो कैसे होगा ये सारा काम, जो पुराना मेथड था, है ना. पुराने मेथड में मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा लगती है, तो उन्हें मैनुअल लेबर की ज़रूरत थी. अब कैरेबियन कंट्री इतनी दूर कौन जाएगा, है ना, तो नहीं जाते थे. ठीक है, तो ये लोगों को इंडिया से भी बहुत लोग गए हैं वहाँ पर, अफ्रीका से भी गए हैं, और यूरोप की कुछ कंट्री में जो पुअर पर्सन थे उन लोगों को काम का लालच देके कि भाई बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, बहुत अच्छा काम है वहाँ पर, बहुत फैसिलिटीज मिलेंगी आपको, ये मिलेगा वो मिलेगा, बहुत बड़े बड़े वादे करके लोगों को बहला फुसला कर एक अच्छा प्राइज उन्हें दे दिया जाता था, है ना. और फिर कुछ स्लेव्स भी थे जो कि एक के बाद एक हेरिडिटरी स्लेव्स थे जो कि इनके कंट्रोल में थे, है ना, और कुछ लोगों को ये स्लेव बना लेते थे, कुछ पैसा दे करके खरीद लिया कि अब आप हमारे लिए ही काम करोगे. कुछ लोगों को पागल बना दिया कि भाई हाँ ठीक है, काम के लिए जा रहे हो, काम हो जाएगा वापस आ जाना. इस तरीके से ये बहुत सारे लोगों को फ्रांस से भी अलग अलग एरिया से ले जाते थे इन कैरेबियन कंट्रीज में. तो ये ट्रायंगुलर ट्रेड चलता था. ट्रायंगुलर ट्रेड कैसे, पहले यूरोप की कंट्रीज से ये जो स्लेव्स हैं इनको कलेक्ट किया जाता था, शिप में भरा जाता था, उसके बाद वहाँ से आते थे अफ्रीकन कंट्रीज से स्लेव्स को भरा जाता था. अफ्रीका एक्चुअली बहुत ही बैकवर्ड कंट्री थी पहले,
है ना, तो वहाँ उन्हें स्लेव्स आसानी से मिल जाते थे। तो वहाँ से ये स्लेव्स को भरते थे और टाइटली पैक करते थे, फिर 3 महीने की जर्नी होती थी उनकी वहाँ से लेकर के कैरेबियन कंट्रीज तक, फिर कैरेबियन कंट्री में जाकर के इनको सेल कर दिया जाता था टू द प्लांटेशन ओनर। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर ट्रेड चल रहा था, अफ्रीका और सॉरी यूरोप, अफ्रीका एंड देन अमेरिका, एक ट्रायंगुलर ट्रेड बना हुआ था। आपको पता है ना, अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो ये जो पूरा एरिया है वर्ल्ड का, यहां पर ये यूरोपियन कंट्रीज है, यहां अफ्रीकन कंट्रीज है और ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। तो यहां से यूरोप से लेकर के जाया जाता था अफ्रीका, अफ्रीका से पैक किया जाता था और फिर यहां से इधर कैरेबियन कंट्रीज में इनको ले जाया जाता था, है ना। अब स्लेव्स हैं तो स्लेव्स के लिए कोई फैसिलिटी तो होगी नहीं, तो इनको टाइटली शिप के अंदर पैक कर दिया जाता था और इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था। ठीक है, तो उस समय ये ट्रायंगुलर ट्रेड चल रहा था, किसका, स्लेव्स का। कौन कर रहे थे, प्लांटेशन ओनर्स कर रहे थे, है ना। प्लांटेशन ओनर्स को स्लेव्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो फ्रांस, ये फ्रांस का मैंने मैप बनाया है बच्चों, ठीक है। तो फ्रांस से भी ये जो एरिया है फ्रांस का, यहां से लेकर के ये जो पूरा एरिया है, ये अटलांटिक ओशन है ना, अटलांटिक ओशन यहां से कनेक्ट हो रहा है, उधर की तरफ कंट्रीज हैं, यहां पर पूरा क्या है, ये अटलांटिक ओशन, जानते हो ना अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन का पार्ट है ये वाला, ठीक है। फिर यहां पर स्पेन है, फिर ये वाला जो एरिया है यहां मेडिटेरियन सी है, ठीक है। इधर की तरफ यूरोपियन कंट्रीज से ये कनेक्ट हो रहा है, ऊपर बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और यहां पर एक और कंट्री है, ठीक है, उनसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहां पर स्पेन है, तो ये कुछ कंट्री से यहां से कनेक्ट हो रहा है, बट ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा, दिस इज किसका पार्ट है, ये पार्ट है अटलांटिक ओशन। तो यहां पर दो मेन पोर्ट थे, नैंटीज एंड बॉलडॉक्स, जहां से ये स्लेव्स को खरीदते थे और इनको अपने शिप में बोर्ड करते थे और फिर यहां से इनका शिप जाता था अफ्रीका की तरफ, ठीक है। और भी कंट्रीज जो थी वहां से भी स्लेव्स को भरा जाता था, यूरोपियन कंट्रीज में जहां जहां से भी इनको मिलते थे स्लेव्स, उन्हें भरा जाता था। मेन पोर्ट ये दोनों थे जहां से स्लेव्स को वो लोग शिप में कैरी करते थे और फिर यहां से शिप जाता था अफ्रीका, अफ्रीका से लेकर के फिर जाता था अमेरिका। ये ट्रायंगुलर ट्रेड चल रहा था। ये जो दो प्लेसेस हैं बच्चों, ये एग्जाम में मैप वर्क में भी आते हैं, है ना। जैसे आपको ये एरिया मार्क करके दे देंगे, द प्लेस फेमस फॉर द स्लेव ट्रेड, तो प्लेस का नाम आपको पता होना चाहिए, या इस एरिया को मार्क कर देंगे, फिर पूछेंगे द प्लेस फेमस फॉर द स्लेव ट्रेड, तो यहाँ पर कौन सा एरिया है और यहाँ कौन सा एरिया है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैरेबियन कंट्रीज में बेसिकली स्लेव्स को सेल करने के लिए ये ट्रेड चल रहा था। कैसा ट्रेड था ये, एक ट्रायंगुलर और ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, ये अटलांटिक ओशन में हटा देती हूं, ये मैंने आपको बताया है जस्ट फॉर योर नॉलेज, स्लेव ट्रेड किसके बीच में था, बिटवीन यूरोप, फिर यूरोप से कहां जा रहे हैं, अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद अमेरिका, ठीक है। ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड इसको हम कहते हैं, कई बार पूछा जाता है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड किन किन के बीच में था, तो ये बेसिकली 3 कंट्रीज हैं, ठीक है। यहां पर ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड में फ्रांस मर्चेंट जो थे वो कहां से, फ्रेंच मर्चेंट्स कहां से स्लेव्स को कैरी कर रहे थे, सेल्ड
फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ नैंटीज एंड बॉर्डोक्स टू द अफ्रीकन कोस्ट। ठीक है, कौन कौन सी जगह थी? नैंटीज एंड बॉर्डोक्स से इनको फ्रांस मर्चेंट सेल करके अफ्रीकन कोस्ट तक ले जाते थे, और अफ्रीकन कोस्ट से कहाँ ले जाएंगे? कैरेबियन कंट्री में। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों जो जगह हैं इनको आप मार्क कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अपनी जो बुक है हिस्ट्री की, उसमें पेज नंबर 9 पर फ्रांस का मैप दिया हुआ है, बहुत छोटा सा एक साइड में है ना, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें दे रखे हैं। मैं अभी आपको इसमें कुछ और पॉइंट्स बनाऊंगी, फ्रांस का मैप बनाया है तो फ्रांस के कुछ 2-3 पॉइंट्स और मैं आपको बताऊंगी। ये तो आप इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये स्लेव ट्रेड चल रहा था इनके बीच में। अब स्लेव्स ट्रेड के लिए जब नेशनल असेंबली बनी है ना, जब कंट्री रिपब्लिक हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में कन्वर्ट हुई, फिर रिपब्लिक हुई, तो नेशनल असेंबली ने इसको जमकर क्रिटिसाइज किया कि स्लेव ट्रेड नहीं होना चाहिए। ओनली क्रिटिसाइज किया, कुछ नहीं उन्होंने, कोई लॉ पास नहीं किया। क्यों नहीं किया लॉ पास? हम देख रहे हैं कि नेशनल असेंबली में कौन है मेंबर्स? दोज हु आर वेल्दी, ठीक है, पैसे वाले लोग, वेल्दियर पीपल। वेल्दियर पीपल ही तो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज के अंदर जमीन परचेस करेंगे और वहां पर प्लांटेशन करेंगे। तो ये जो नेशनल असेंबली के वेल्दियर पीपल थे, दे आर इन्वॉल्व इन दिस स्लेव ट्रेड, तो वो इसको क्रिटिसाइज तो कर सकते थे, बट अगर वो कुछ करती है नेशनल असेंबली, तो फिर जो वेल्दियर पीपल जो उनको टैक्स पे कर रहे हैं वो नाराज हो जाएंगे और नेशनल असेंबली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यहां पर उन्होंने केवल क्रिटिसाइज किया, नेशनल असेंबली ने किया कुछ नहीं। ठीक है, फिर जब रोबेसपियर की गवर्नमेंट आई है ना, रोबेसपियर की गवर्नमेंट, इट सपोर्ट द पुअर पीपल, हमने देखा था ना जैकोबिन क्लब में सभी लोग थे, रिच तो कम ही थे लेकिन मोस्टली कौन थे? दोज हुआ पुअर, है ना। तो यहां पर जब रोबेसपियर की गवर्नमेंट आई तो उसने ना केवल क्रिटिसाइज किया बल्कि फ्रांस के अंदर स्लेवरी को बैन कर दिया। तो उस समय कुछ टाइम के लिए स्लेवरी बैन हुई, लेकिन फिर डायरेक्टरी गवर्नमेंट आई और डायरेक्टरी गवर्नमेंट के बाद डिक्टेटरशिप हो गई, नेपोलियन बोनापार्ट का रूल आ गया। नेपोलियन बोनापार्ट को अपनी आर्मी मेंटेन करने के लिए फिर पैसे की बहुत जरूरत थी, उसको चाहिए था कि प्लांटेशन ओनर अच्छा ग्रो करें, अच्छे पैसे अर्न करें और अच्छा खासा टैक्स उसे पे करें। तो फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने वापस स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, हटा दी गई थी ना, तो वापस से इसको एप्लीकेबल कर दिया कि भाई स्लेवरी अलाउड है, आप स्लेव्स खरीदो बेचो जो करना है करो। ही नीड मनी टू मेंटेन हिज आर्मी, ठीक है। तो यहां पर जो स्लेव ट्रेड था वो कुछ टाइम के लिए बीच में खत्म हुआ, फाइनली स्लेव ट्रेड काफी लेट खत्म हुआ था। आप एक बार ये दो पॉइंट लिख लीजिए, फिर ये नेशनल असेंबली और रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के पॉइंट्स भी आपको लिखाती हूँ। ठीक है, स्कोर अप कर दूं। तो यहां पर जो मेन बॉर्डेक्स भी हट गया, ठीक है कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में बता दूंगी आपको। तो जो मेन पोर्ट थे वो मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा क्या हुआ? नेशनल असेंबली ने क्या किया? नेशनल असेंबली held a long debate
अबाउट स्लेव ट्रेड बट डिड नॉट पास एनी लॉ। ठीक है, लॉन्ग डिबेट तो किया लेकिन किया कुछ नहीं, कोई लॉ पास नहीं किया। ठीक है, किसने किया? कन्वेंशन इन 1794। पास द लॉ टू फ्री फ्रॉम पास द लॉ टू फ्री स्लेव्स फ्रॉम टू फ्री स्लेव्स फ्रॉम द फ्रेंच कॉलोनीज। ठीक है, फिर क्या हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट रीइंट्रोड्यूस द स्लेवरी। ठीक है, और फाइनली ये कब एबोलाइश हुई? फाइनली स्लेवरी वॉज एबोलाइश्ड इन 1848। ठीक है, 1848 में फ्रॉम फ्रेंच कॉलोनीज। ठीक है, 1848 में किसकी गवर्नमेंट थी, क्या था फ्रांस में, दैट यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट ईयर, है ना। अब इस बार तो हम केवल नेपोलियन बोनापार्ट तक ही पढ़ेंगे। तो यहां पर नेशनल असेंबली ने डिबेट तो किया बट दे डिड नथिंग, कुछ भी किया नहीं, केवल डिबेट ही करते रहे। किस लिए नहीं किया कुछ भी? बिकॉज दे वर फियर कि अगर कुछ किया तो जो बेल्जियर सेक्शन है वो उनके अगेंस्ट चला जाएगा, और नेशनल असेंबली तो बनी ही बेल्जियर सेक्शन के लिए थी। फिर जब कन्वेंशन आई उसने लॉ पास कर दिया और स्लेवरी को फ्रेंच कॉलोनीज से खत्म कर दिया कि फ्रेंच कॉलोनीज में जितने भी स्लेव्स हैं उन्हें फ्री कर दिया जाएगा। फिर नेपोलियन बोनापार्ट आया, उन्होंने रीइंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी को। फाइनली स्लेवरी एबोलाइश हुई 1848 में फ्रॉम द फ्रेंच कॉलोनीज, यानी स्लेवरी को भी फ्रांस से खत्म होने में बहुत लंबा टाइम लगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार और मैं आपको रिकैप देती हूं कि फ्रांस के अंदर स्लेवरी जो थी, दो मेन पोर्ट है, नैंटीस बॉर्डोक्स, ट्रायंगुलर ट्रेड हो रहा था फ्रांस से यूरोप से अफ्रीका और अफ्रीका से अमेरिका, इन दो मेन पोर्ट से जा रहे थे। ठीक है, किस लिए जा रहे थे? फॉर द प्लांटेशन वर्क। ओके, नेशनल असेंबली इसको करना तो चाहती थी पर बेल्जियर सेक्शन के प्रेशर की वजह से कुछ कर नहीं पाई, केवल क्रिटिसाइज ही कर पाई। ठीक है, कन्वेक्शन ने इसको हटाया लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने रीइंट्रोड्यूस कर दिया और फाइनली इट वॉज एबोलाइश्ड फ्रॉम द फ्रांस इन 1848। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर हम मैप के कुछ पॉइंट्स आज नोट करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको रब कर दूं, हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाला है।
है ना। तो मैं आपको थोड़ा मैप के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर क्या है, अटलांटिक ओशन है, ठीक है। ये जो है ये पोर्ट कौन सा है, नैंटीस बॉर्डर्स, ठीक है। ये जो है ये फ्रांस की कैपिटल है, कौन सी कैपिटल है, पेरिस, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है, एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए द कैपिटल ऑफ फ्रांस, है ना, लोकेट द कैपिटल ऑफ फ्रांस इन द फ्रांस मैप, तो आप देख लीजिए कहाँ पर है, कहीं बीच में इधर उधर मत कर देना, थोड़ा सा आप देख लो कि किस जगह पर आपको पॉइंट करना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन आ सकता है, हम क्या कर रहे हैं इसका मैप वर्क, ठीक है। क्या क्वेश्चन आ सकता है, कैपिटल ऑफ फ्रांस, और क्या आ सकता है इससे रिलेटेड, एरिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कहां पर हुआ था 1789 में पेरिस में, और क्या आ सकता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। अटलांटिक ओशन हटा रही हूं मैं जरा यहां से, है ना, रिगार्डिंग द बेस्टाइल प्रिजन, कि वेयर इज बेस्टाइल प्रिजन सिचुएटेड, ठीक है, बेस्टाइल प्रिजन से रिलेटेड आ सकता है। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दैट इज आंसर क्या है, पेरिस। कुछ भी पूछे आपको आंसर में पेरिस ही लिखना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन कहाँ शुरू हुआ, पेरिस में। कहाँ पर बेस्टाइल प्रिजन, डिस्ट्रॉय ऑफ द बेस्टाइल प्रिजन आ सकता है करके, या आ सकता है वेयर इज द बेस्टाइल प्रिजन सिचुएटेड, ठीक है। बेस्टाइल प्रिजन पता है ना आपको, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब किंग ने अपने सोल्जर्स भेजे थे और ये यूमर फैल गया था, क्या कि राजा ने अपने सोल्जर्स भेजे हैं लोगों को मारने के लिए, और यहाँ पर जुलाई 14 जुलाई 1789 में, है ना, गुस्से में भरे हुए लोगों को आर्म्स एंड एम्यूनेशन चाहिए थे, इसलिए उन्होंने बेस्टाइल प्रिजन को डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया, और वहां जितने भी आर्म्स एम्यूनेशन मिले उन सबको अपने कंट्रोल में ले लिया। 7 प्रिजनर्स इस प्रिजन से उन्होंने रिलीज कर दिए, ठीक है। तो बेस्टाइल प्रिजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, आंसर सबका क्या होगा, दैट इज पेरिस, ठीक है। फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही गया स्लेव ट्रेड का, है ना, क्या क्वेश्चन आ सकता है, एरिया ऑफ, या सॉरी एरिया नहीं, पोर्ट्स, है ना, पोर्ट ऑफ स्लेव ट्रेड, ठीक है। अब स्लेव ट्रेड में अगर वो आपसे पोर्ट पूछते हैं तो वो आपको मार्क करके देंगे ये एरिया, है ना, यहां एरिया मार्क करके, ए लिख करके, बी लिख करके, जो भी है क्वेश्चन वो लिख करके देंगे, देन यू हैव टू राइट नैंटीज या बॉर्डर्स, जहां पर भी वो मार्क कर रहे हैं एरिया, ठीक है। तो ये इन दोनों के लिए सेम क्वेश्चन आएगा, पोर्ट्स ऑफ स्लेव ट्रेड, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जिस समय पेरिस, या हम कह सकते हैं नेशनल असेंबली, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के अगेंस्ट वॉर कर रही थी, उस समय एक जगह थी मर्सिलिस, जहां से लोग सॉन्ग गाते हुए जाते थे, द प्लेस ऑफ द मर्सिलिस इज हियर, यहां से सोल्जर्स जो थे वो वॉर के लिए जा रहे थे, ठीक है, दिस इज द प्लेस ऑफ मर्सिलिस। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, एरिया ऑफ, एक मिनट, एरिया ऑफ
अफेक्टेड बाय ग्रेट फियर। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मर्सिलेस। ठीक है, यहां पर क्या है, ब्रीस्ट। ब्रीस्ट, मर्सिलेस वो आपको मार्क करके देंगे बच्चे, है ना। यहां पर मार्क करके दिया एरिया ऑफ अफेक्टेड बाय ग्रेट फियर या रीजन ऑफ अफेक्टेड बाय ग्रेट फियर। तो ये एरिया अगर आपको मार्क करके दिया है तो इस एरिया में आपको लिखना है ब्रीस्ट। अगर एरिया उन्होंने यहां मार्क करके दिया है तो इस एरिया को लिखना है। जिस एरिया को मार्क करके दिया हुआ है उस एरिया को ही हमें मेंशन करना है। हमें पता होना चाहिए कि अगर मर्सिलेस नीचे की तरफ मार्क है तो हमें क्या फिल करना है, मर्सिलेस। अगर ऊपर की तरफ मार्क है तो हमें क्या फिल करना है, ब्रीस्ट। ठीक है, इसके अलावा ये वाला एरिया भी है, ठीक है, एएसएस। ये भी क्या है, एरिया ऑफ ग्रेट फियर। ये तीनों एरियाज जो हैं वो अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर है। ठीक है, तो हमारे मेन जो क्वेश्चन है वो बन रहे हैं या तो पेरिस पर, दो पोर्ट के लिए, और तीन हमारे क्या हैं, दैट इज एरियाज ऑफ ग्रेट फियर, है ना। तो ये मार्क करके आएगा बच्चों, ऐसा नहीं आएगा कि फिल द मर्सिलेस, ये नहीं आएगा, है ना। ये आएगा लिख करके, यहां पर मार्क किया हुआ होगा, इस तरह से मार्क करके वो दे देंगे आपको। नाउ दिस एरिया इज अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर या दिस रीजन इज अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर, देन यू हैव टू मार्क द प्लेस। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आएंगे इसमें। इसके अलावा इधर की तरफ मैंने आपको बताया अटलांटिक ओशन है, यहां स्पेन है, ठीक है, इधर की तरफ मेडिटेरियन सी है, ठीक है, यहाँ का पर जो है वो बेल्जियम है, फिर उसके बाद कुछ पार्ट लग्जमबर्ग का है, यहाँ जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, और इधर इटली है। ठीक है, ये नेबरिंग कंट्रीज हैं, ऐसे आती नहीं है एग्जाम में, बट आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में केवल ये वाले पॉइंट्स ही आते हैं जो मैंने आपको फ्रांस के अंदर मार्क करवाए हैं और जिनके क्वेश्चंस लिख पाए हैं, बट फॉर योर नॉलेज यू जस्ट हैव टू लुक अबाउट ऑल दीज नेबरिंग कंट्रीज एंड द ओशन ऑल्सो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय।